Today we are discussing about CUET reasoning previous year questions. ठीक है, previous year questions जो कि आए हुए हैं CUET में उस पर कैसे डील करना है, कैसे उन questions को कम टाइम में ट्रिक के साथ सॉल्व करना है, आज का सेशन उस पर बेस्ड. ठीक है, सबसे ज्यादा जो CUET में questions पूछे गए थे वो अल्फाबेट रिलेटेड questions. ठीक है, अल्फाबेट रिलेटेड, अल्फाबेट रिलेटेड क्वेश्चंस यानी कि अल्फाबेटिकल सीरीज से थे. ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज से थे, साथ ही साथ कोडिंग डिकोडिंग से थे. फिर इन्हीं अल्फाबेट्स पे बेस एनालॉगी और क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस आए थे. तो इन चार चैप्टर को मिला करके कम से कम देखा गया तो 7 to 8 क्वेश्चंस थे CUET में, यानी कि केवल अल्फाबेट रिलेटेड क्वेश्चंस. ठीक है, कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, क्या करना होता है, आज का डिस्कशन इसी पर है. ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू क्या है, अपोजिट लेटर्स क्या होते हैं, रोटेशन क्या. ठीक है, आइए देखते हैं. सबसे पहली बात कि अल्फाबेट जब हम लिखते हैं तो अपनी कॉपी में लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं. आपका फेस सामने है तो आपका लेफ्ट हैंड लेफ्ट एंड कहा जाएगा, आपका राइट हैंड राइट एंड कहा जाएगा. आपने कहा जब लेफ्ट एंड से लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम ए बी सी डी ऐसे लिखते हुए जाते हैं और लास्ट में कहां तक, जेड तक जाते हैं. ठीक है, आपने कहा कि ए को हमने लेफ्ट एंड पर फिक्स कर दिया है. फिक्स करने का मतलब इसका प्लेस वैल्यू हमने डिसाइड कर दिया 1. आपने कहा बी को हमने सेकंड प्लेस पर फिक्स किया है यानी इसका प्लेस वैल्यू हमने डिसाइड कर दिया 2. सी को हमने थर्ड प्लेस पर फिक्स किया है इस वजह से इसका प्लेस वैल्यू हो गया 3. 4 एंड सो ऑन. तो जेड की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26. आप कहोगे कि सर एग्जाम में जब आएगा तो प्लेस वैल्यू बाकियों की कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी होंगी. जैसे कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनको देख करके आप उसका प्लेस वैल्यू बता सकते हो, जैसे एफ है. एफ को अगर ऐसे अज्यूम करिए तो लगेगा कि ये 6 है, तो एफ की प्लेस वैल्यू एक्चुअल में भी क्या होती है, 6 होती है. आपने कहा एच को थोड़ा सा ऐसे सोचेंगे कि एच के ऊपर और नीचे के हिस्से को मिला दिया गया. आपने कहा ये 8 के जैसा दिख रहा है, प्लेस वैल्यू 8 हो गई. आपने कहा आई को देखिए, आपने कहा आई को इटैलिक में ऐसे लिखते हैं जो कि 9 के जैसा दिख रहा है, तो 3 लेटर की प्लेस वैल्यू तो आपने ऐसे याद कर लिया. आपने कहा सर के लिखा हुआ है, मैंने कहा ये के की दोनों तिरछी लाइनें ऐसे खींच के आप सीधी कर दीजिए. आपने कहा 2 आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी. आपने कहा यानी कि के की प्लेस वैल्यू हो गई 11. आगे आपने कहा एम एंड डब्लू ये दोनों एक दूसरे के वाटर इमेज कहे जाएंगे, इनको याद रखेंगे 13 एंड 23. ठीक, आगे आपने कहा आर की प्लेस वैल्यू क्या होगी. आपने कहा आर को कुछ ऐसे देखेंगे, 8 जैसा दिख रहा है. आपने कहा यहाँ पे एक जगह 8 है और दूसरी जगह 18 के अंदर 8 आएगा. आपने कहा एच ऑलरेडी 8 हो चुका है तो आर की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 18. आपने कहा एस को अगर देखें तो एस कुछ ऐसे है. आपने कहा 9 जैसा दिख रहा है. आपने कहा 9 ऑलरेडी आई हो चुका है. ठीक है, उसी के तरीके से 19 एक जगह दिखेगा जो किसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी. इतने लेटर तो देख करके आप बता सकते हो. बाकी बचे हुए जो लेटर्स हैं उनको कैसे याद रखेंगे, तो एक नाम ऐसे याद रख लेते हैं, ई जोटी. ठीक, ये क्या है, 5. आपने कहा इसका मल्टीपल 10, 15, 20 एंड 25. ये हो गया. इसी तरीके से एक और लेटर है सी फिलोरक्स. ये 3 का मल्टीपल है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
एंड 24, ठीक है। तो ये तो प्लेस वैल्यू था। आपने कहा सर फर्स्ट क्वेश्चन डिपेंड अपॉन प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स, ठीक है। कैसे देखेंगे, पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चल यहाँ पे ए की प्लेस वैल्यू क्या है 1, आपने कहा सर बी की प्लेस वैल्यू क्या है 2, ई की प्लेस वैल्यू अभी आपने देखा क्या है 5, 5 नंबर पे ई आता है 5, डी की प्लेस वैल्यू 4 है, आई की प्लेस वैल्यू 9 है, एफ की प्लेस वैल्यू 6 है, एच की प्लेस वैल्यू 8, ये 21, ये 10, ये हो गया। आपने कहा सर कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है। आपने कहा सर एक बात बताओ, 2 से यहाँ पे 4 हो गया है यानी प्लस 2 हो रहा होगा, 4 से 6 हो गया यानी प्लस 2, आपने कहा 6 से 8 हो गया है प्लस 2 है, 8 से 10 हो गया है प्लस 2 है, यानी अल्टरनेट पैटर्न पे प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। आपने कहा यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपने कहा सर ए से ई हो रहा है यानी प्लस 4 हो रहा होगा, आपने कहा ई से 9 यानी कि 5 से 9 हो रहा होगा तो प्लस 4, आपने कहा आगे भी फिर प्लस 4 की सीरीज होनी चाहिए थी यानी 9 प्लस 4 13, 13 का मतलब m होना चाहिए था। आपने कहा लेकिन अगला पैटर्न फिर प्लस 4 का होना चाहिए, आपने कहा सर 13 में 4 ऐड करने पर क्या 21 आएगा, नहीं, यहीं से ये सीरीज का पैटर्न रॉन्ग हो गया। आपने कहा फिर क्या देखेंगे, मैंने कहा कोई भी वर्ड कोई भी लेटर 2 लेटर टाइप में है, एक वॉबल है और क्या है कॉन्सोनेंट। आपने कहा सर अल्टरनेट में प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू चल रहा था, यहां पर अगर आप देखें तो ए है ई है आई यू, तो बीच में बच क्या गया ओ, क्लियर। यहाँ पे प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस फोर वाला लॉजिक 2 जगह चल रहा था, उसके बाद ये फेल हो गया। आपने कहा ये वाला लॉजिक फ्लॉप हुआ, सिंपल सा लॉजिक था वॉबल ए ई आई ओ और अल्टरनेट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्स जेड सी एंड जी प्लेस वैल्यू लिखना है, एक्स की प्लेस वैल्यू क्या है 24, जेड की प्लेस वैल्यू 26, आपने कहा सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है एंड जी की प्लेस वैल्यू 7। अब क्या होगा, जैसे ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है के प्लस 2, k प्लस 2 का मतलब होता है k की प्लेस वैल्यू 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लेस वैल्यू किसका है m, ठीक। उसी तरीके से r प्लस 3, r प्लस 3 का मतलब r की प्लेस वैल्यू 18, 18 प्लस 3 यानी 21, 21 का मतलब आगे x प्लस 2, आपने कहा 24 प्लस 2 means 26 यानी कि z, आपने कहा यानी 24 से 26 प्लस, ठीक है। आपने कहा सर z प्लस 3 अगर करना है तब क्या करेंगे, आपने कहा 26 प्लस 3 ये हो गया 29, जब भी वैल्यू 26 से एक्सीड कर जाए तो उसमें से 26 माइनस कर लेते हैं, आपने कहा 3 आएगा यानी कि c, सही है 26 प्लस 3। आगे 3 से 7 होने का मतलब प्लस 4, आपने कहा तो अगला पैटर्न क्या होगा प्लस 5 का, 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12, 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है l, इज योर राइट आंसर, ऐसे करना। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज लेटर रोटेशन। प्लस साइन शोज दिस वैल्यू इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। के प्लस 2 यानी के से आप आगे बढ़ रहे हो 2 प्लेस, के के बाद कौन कौन आता है एल और एम। आर प्लस 3 का मतलब आप आर से 3 प्लेस आगे बढ़ रहे हो, जेड का मतलब जेड से आप 3 प्लेस आगे बढ़ रहे हो, तो आप कहोगे जेड से आगे कहाँ बढ़ के जाएंगे, ए से जेड, जेड जैसे खत्म फिर ए से स्टार्टिंग हो जाएगी, ए से जेड फिर जेड खत्म ए से फिर स्टार्टिंग होगी, ऐसे ये रोटेशन बना रहे, क्लियर। आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपने कहा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी, डी की प्लेस वैल्यू कितनी 4, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23, एफ की प्लेस वैल्यू कितनी 6, यू की प्लेस वैल्यू 21, आपने कहा एच की प्लेस वैल्यू 8, आगे क्या होगा चलो देखो। आपने कहा सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका कौन सा, एक तरीका है अल्टरनेट में 4 से 6 होने का मतलब +2, 6 से 8 का मतलब है +2, तो आप कहोगे सर ऐसे अल्टरनेट में +2 जा रहा है। आपने कहा 23 से 21, आपने कहा -2, तो नेक्स्ट 21 से -2 होगा, आपने कहा 19 का मतलब, तो आंसर बन गया। एक और तरीका था, इससे भी इजीएस्ट फॉर्म था, क्या था आइए देखिए, अपोजिट लेटर्स। आपने कहा सर अपोजिट लेटर क्या होता है, लेफ्ट एंड पर जो पहला है और राइट एंड पर जो पहला है वो एक दूसरे का अपोजिट, जैसे ए से जेड लिखने पर ए और जेड अपोजिट, बी से वाई अपोजिट है क्योंकि दोनों अपने एंड पर पहले पर हैं, दूसरे पर। तो आपने कहा ए का अपोजिट क्या होता है जेड, बी का अपोजिट क्या होता है वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी। याद करने का तरीका, ए जेड आजाद याद रख लेंगे, पी वाई वाई याद कर लीजिए, सी एक्स क्रैक्स याद कर सकते हैं, डी डब्ल्यू ड्यू याद रख सकते हैं, ई वी इवेन याद रख सकते हैं, ठीक है, एफ का अपोजिट यू, इसको आप पन याद रख सकते हैं। आपने कहा जी का अपोजिट क्या है टी, जी टी रोड याद रख सकते हैं, ठीक, आगे एच का अपोजिट एस, हाई स्कूल याद रख सकते हैं, ठीक। आपने कहा एच के बाद आई का अपोजिट आर, इसको आई आर रेलवे, इंडियन रेलवे याद रख सकते हैं, ठीक, इंडियन रेलवे याद रख सकते हैं। जे का अपोजिट क्यू, इसको जैक क्वीन याद रख सकते हैं, जैक क्वीन। नेक्स्ट के का अपोजिट पी, इसको कानपुर याद रख सकते हैं, ठीक। एल का अपोजिट एम, एल का अपोजिट ओ, इसको याद रख सकते हैं लायन या लव, ठीक। आपने कहा एम का अपोजिट एन, इसको याद रख सकते हैं मैं ऐसे। अब देखिए अगर आपको अपोजिट पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत कर पाते, कैसे, आपने देखा डी और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट, एफ एंड यू एक दूसरे के अपोजिट, तो एच और एस एक दूसरे के अपोजिट होंगे, आपने कहा यहाँ पे लिखा भी, ठीक, एस इज योर राइट। तो दो तरीका था, चाहे आप अल्टरनेट में +2 +2, -2 -2 करिए, चाहे आप यहाँ पे अपोजिट लेटर्स को देख सकते। तीन बातें आपने अभी सीखा, पहले में आपने प्लेस वैल्यू देखा, प्लेस वैल्यू से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, दूसरा आपने क्लॉकवाइज रोटेशन देखा कि वैल्यू में अगर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे जाएंगे, और अपोजिट देखा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कैसे करना है। आपने कहा प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, ये 19 है, ये 20 है, ये 21, ये 23, तो जाहिर सी बात है बीच में 22 आना ही आना है। फिर आपने कहा ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, आपने कहा 3 से 5 का मतलब +2, 5 से 7 का मतलब +2, 7 से +2 यानी कि 9 यानी कि i में +2 करने पर k, ठीक है। डी, आपने कहा ये 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, तो 10 आएगा बीच में यानी कि p i j is your right। यानी प्लेस वैल्यू अपोजिट अगर पता है तो ऐसे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व किए जा सकते, ठीक। इसको देखिए यहाँ पे, आपने कहा सबसे पहले सर देखते ही ऐसे क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू तुरंत लिख लीजिए, 1, 25, 23, 5। आपने कहा चलिए अल्टरनेट पे पहले सोचिए, आपने कहा पहले अल्टरनेट सोचिए, आपने कहा 1 से 3 यानी कि +2, 3 से 5 यानी कि +2,
25 टू 23 माइनस टू आपने कहा तो अल्टरनेट में पैटर्न माइनस टू पे रहेगा। माइनस टू मतलब 21, 21 का मतलब यू, ये थी। ठीक है आगे सिक्स नंबर क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या है आपने कहा 13, 11, 8, 4। पहले डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कैसा मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है, 13 से 11 में डिफरेंस 2 का, 11 टू 8 डिफरेंस 3 का, आपने कहा यहाँ से यहाँ डिफरेंस 4 का, तो आगे डिफरेंस 5 का होगा। याद रखिएगा 4 माइनस 5 यानी कि डी माइनस फाइव, डी माइनस फाइव को ही तो लिखेंगे 4 माइनस फाइव, माइनस 1 यानी कभी भी किसी लेटर में पीछे जाने पर, अभी आप रोटेशन में आगे जा रहे थे, पीछे जाने पर अगर जीरो या निगेटिव आए तो उसमें 26 ऐड कर दिया जाता है। तो आपने कहा यहाँ पे आ जाएगा 25, 25 का मतलब ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपने कहा सर यहाँ पे देखेंगे ए का अपोजिट ऐसे ही दिख रहा है जेड है, आपने कहा बी का अपोजिट वाई दिख रहा है, ई का अपोजिट वी है, आपने कहा एफ का अपोजिट यू है, आई का अपोजिट क्या होगा आपने कहा सर आई का अपोजिट आर होगा, एंड जे का अपोजिट कौन होगा क्यू, जैक क्वीन आर क्यू इज योर राइट। अब इसमें क्या होगा कि जो अल्फाबेट लेफ्ट से राइट लिखे जाते हैं इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, कहा गया है इफ अल्फाबेट्स आर अरेंज इन सेम ऑर्डर, अल्फाबेट्स आर अरेंज इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का मतलब क्या है, लेफ्ट एंड से आप स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे आप राइट एंड तक जाएंगे, लेफ्ट से राइट एंड पर जाने पर आप ए से स्टार्ट किए हुए हैं, ए से लिखते हुए कहां तक जाएंगे जेड तक, यहां तक जाएंगे। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड सिक्स्थ लेटर टू द राइट ऑफ सेवेंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर आप ए से जेड ऐसे एग्जाम में बनाने लगे तो फिर टाइम लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसको ट्रिक मेथड से सॉल्व करना है। ट्रिक ये कहता है कि जब भी लेफ्ट एंड के बाद राइट एंड जाने के लिए बोले, कहां से कहां लेफ्ट के बाद राइट प्लेस जाने के लिए बोले, तो दोनों के बीच में प्लस साइन लगाइए और उतना वैल्यू किस एंड से काउंट कर लीजिए लेफ्ट एंड, ये बोला गया। आपने कहा लेफ्ट से सेवेंथ उसके राइट में सिक्स, आपने कहा सेवन प्लस सिक्स 13, कहां से काउंट करना है लेफ्ट से, तो लेफ्ट का मतलब ए की तरफ से जाना है, मूवमेंट किधर से है ए की तरफ से, ए से 13वें नंबर पर आपने कहा 13 प्लेस वैल्यू किसकी होती है एम की, यानी एम इज योर राइट आंसर। बस प्लेस वैल्यू अगर आपको याद है तो सारा काम हो जाएगा, यानी कि यहां से जो हम स्टार्ट किए थे कि प्लेस वैल्यू कैसे देखना है, रोटेशन कैसे देखना है, अपोजिट क्या क्या होता है, उन सब से चलते हुए आप इस टाइप के इस लेवल के क्वेश्चन पे पहुंचे हैं जिसमें आपको सेम ऑर्डर में अगर अल्फाबेट दिया जाए तो लेफ्ट के बाद अगर राइट पूछा जाए तो कैसे आपको अप्रोच करना है। अगला क्वेश्चन, इफ अल्फाबेट आर अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर देन फाइंड सिक्स लेटर टू द राइट ऑफ सेवन लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है सर लेफ्ट एंड और राइट एंड तो फिक्स रहेंगे, वो तो बदलेंगे है नहीं, रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है जहां पे ए दिख रहा था वहां पे इस बार हमको क्या मिलेगा जेड, जेड से हम उल्टी दिशा में आ रहे हैं, जेड वाई एक्स ऐसे करते हुए तो राइट एंड पर ए दिखेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, सिक्स्थ लेटर टू द राइट ऑफ सेवेंथ लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड, आपने कहा यहां पर भी बोला है लेफ्ट के बाद कहां जाने के लिए राइट, तो मैंने भी बताया प्लस साइन लगाएंगे उतना कहां से काउंट करेंगे लेफ्ट, ठीक। आपने कहा सर लेफ्ट से सेवन उसके राइट में सिक्स, तो 13 कहां से लेफ्ट से, अब यहीं रुक जाइएगा। आपने कहा सर यहां पे 13 था तो आंसर एम आया था, तो मैंने कहा लेफ्ट एंड पर क्या दिख रहा था आपको, ए मिल रहा था,
इस बार लेफ्ट इंड पर आपको क्या दिख रहा है, जेड दिख रहा है, क्योंकि ऑर्डर कैसा हो गया, रिवर्स। जब भी रिवर्स ऑर्डर होगा तो 13 प्लेस वैल्यू होती किसकी है, एम की। आपने कहा रिवर्स ऑर्डर में हमको लेफ्ट इंड पर जेड मिला है, तो एम का क्या ले लेंगे, अपोजिट, रिवर्स ले लेंगे। तो एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन। एन इज योर राइट, ऐसे अप्रोच लगाना है, ठीक। अगले क्वेश्चन में आएंगे। इफ फर्स्ट हाफ ऑफ द अल्फाबेट आर अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ ऑफ द अल्फाबेट, तो आपने कहा कुछ इस तरीके से, एम एल के जे आई एच एफ एस, फर्स्ट हाफ ऑफ द अल्फाबेट आर अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर। ए से एम तक के अल्फाबेट को रिवर्स ऑर्डर में रखा गया। नेक्स्ट हाफ आर अरेंज इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का मतलब एन ओ पी क्यू आर एस डब्ल्यू एक्स वाई और एस। तो बोला गया है कि सो फाइंड थर्ड लेटर टू द राइट ऑफ सेवेंथ लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड। आपने कहा लेफ्ट के बाद फिर कहां जाने के लिए बोला है, राइट जाने के लिए। लेफ्ट के बाद राइट जाने के लिए बोलेगा, प्लस साइन लगाएंगे और उतना कहां से काउंट करेंगे, लेफ्ट साइड से। आपने कहा सर क्या क्या बोला गया है, थर्ड और सेवंथ। तो आपने कहा सेवंथ लेफ्ट एंड से, थर्ड राइट एंड से, यानी टेंथ लेटर कहां से, टेंथ कहां से, लेफ्ट। यहां से देख लो लेफ्ट एंड यही रहेगा। आपने कहा ये रहा लेफ्ट एंड, तो आपने कहा सर फाइव ये ऐसे कर, हाफ ऑफ द अल्फाबेट आर अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर एंड अदर हाफ आर अरेंज इन सेम ऑर्डर, ठीक। आगे इस टाइप के जो क्वेश्चन 11th नंबर पे हैं, ये कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है, ये जरूर आते हैं सीयूईटी में। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे, आपको वहां पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इजी होते हैं, सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा माइंड आपको लगाना होगा। जैसे बोला गया अमंग जे के एल एम एन फाइव पर्सन या फाइव एलिमेंट आप मान लीजिए, इनकी हाइट अलग अलग है। आपने कहा नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ एलिमेंट जितने दिख रहे होंगे उससे एक कम ग्रेटर साइन बना लीजिए। आपने कहा 1 2 3 4, क्योंकि 5 पर्सन है तो पहला यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, 5 लोग, यानी कि एक कम उससे ग्रेटर साइन बनाइए। आगे बोला गया के इज टॉलर देन ओनली 1 पर्सन, के केवल एक लोगों से बड़ा है, बाकियों से छोटा होगा। तो आपने कहा इसी से बड़ा है, बाकियों से क्या है, छोटा है, ठीक। आगे बोला गया एम इज शॉर्टर देन ओनली एल। आपने कहा एम केवल किससे छोटा है, एल से, बाकियों से बड़ा होगा। M is taller than J and N both। आपने कहा दो places बची हैं, दो लोग बचे। J और N की height के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। आपने कहा अगर यहाँ J आएगा तो यहाँ पे N आएगा, और अगर यहाँ पे N आएगा तो यहाँ पे J आएगा, क्योंकि बताया नहीं गया है J और N कहाँ आएंगे। क्वेश्चन में बोला गया है Who among them is the third tallest? आपने कहा इसको बोला जाता है फर्स्ट टॉलेस्ट, ये फर्स्ट टॉलेस्ट है। आपने कहा इसको बोला जाता है सेकंड टॉलेस्ट, सेकंड टॉलेस्ट है ये। इसको बोला जाता है थर्ड टॉलेस्ट। आपने कहा थर्ड टॉलेस्ट क्या होगा, आपने कहा आइदर जे और एन। अगर यहाँ पे ये ए और सी ऑप्शन को आप देखें तो या तो जे होगा या तो एन होगा, तो आंसर टिक करना होगा इधर ए और सी, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे आइदर और की जगह पे कैन नॉट डिटरमाइन लिख देगा, तो हमको कैन नॉट डिटरमाइन टिक करना होगा। क्यों, क्योंकि जे और एन में कंफर्मेशन नहीं है कि तीसरा टॉलेस्ट कौन होगा, ठीक। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से कुछ है। क्या बोला गया है, ए बी सी डी ई 5 है, डिफरेंट वेट है, उस बार हाइट था इस बार वेट, दिस वेट इज मोर देन ओनली 3 पर्सन। आइए देखते हैं, 1 2 3, 4 ग्रेटर साइन, कितने लोग इसमें एडजस्ट हो जाएंगे, 5 पर्सन। बोला गया है
these weight is more than only 3%, केवल तीन लोगों से ज्यादा है, तो पहले वाले से ज्यादा होगा, दूसरे वाले से, तीसरे वाले से, यानी यहां फिक्स हो गया, तीन से ज्यादा है केवल। आगे बोला गया है बी's वेट इज मोर देन ई एंड लेस देन सी। आपने कहा बी का वेट जो है वो मोर देन किससे है, ई से, लेकिन लेस देन क्या है, सी, ये बोला गया। और साथ ही साथ एक बात और बोला गया है, ए इज नॉट द लाइटेस्ट पर्सन, ए लाइटेस्ट नहीं है, यानी ए यहां नहीं है, ठीक है। सी इज नॉट लाइटर देन डी, ये भी बोला है, सी लाइटर नहीं है किससे, डी से, सी इज नॉट लाइटर देन डी। ए इज हैवियर देन बी, ये बोला है, ए इज हैवियर देन बी। आपने कहा एक काम करो, सी लाइटर नहीं है डी से, तो डी से पहले रख लो। आपने कहा ए जो है वो बी से हैवियस्ट है, और यह एक, आपने कहा तीसरा इसमें सबसे भारी कौन होगा, हु अमंग देम इज द थर्ड हैवीएस्ट, तो आपने कहा ये हो गया फर्स्ट हैवीएस्ट, ये हो गया सेकंड हैवीएस्ट, और ये हो जाएगा थर्ड हैवीएस्ट। तो थर्ड हैवीएस्ट का आंसर क्या होगा, ए इज योर राइट, ए इज योर, ऐसे सॉल्व करना है। तो अभी तक आपने देखा कि ये जो क्वेश्चंस थे इधर, ये अल्फाबेट रिलेटेड थे, ये दोनों क्वेश्चन कंपैरिजन रिलेटेड थे। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये ब्लड रिलेशन रिलेटेड, कैसे सॉल्व करना है। आप अगर प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो ब्लड रिलेशन के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, बोला गया है बी इज फादर ऑफ क्यू, तो जाहिर सी बात है बी पिता है किसका, क्यू का, तो क्यू से एक जनरेशन पहले आया होगा, ठीक है, और फादर है तो मेल मेंबर, यानी प्लस साइन लगा लेंगे। आगे बी हैज टू चिल्ड्रन, दो बच्चे हैं, तो एक तो क्यू दिख रहा है, एक और कोई होगा। आगे चलेंगे, क्यू इज ब्रदर ऑफ आर, यानी दूसरा कौन है, आर, और क्यू उसका भाई है, यानी कि क्यू मेल मेंबर हो गया। बोला गया आर इज डॉटर ऑफ पी, आर पी की डॉटर है, लड़की है, आर किसकी लड़की है, पी की, यानी बी एंड पी बोथ आर मैरिड। आगे फिर बोला है ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। आपने कहा ग्रैंड डॉटर का मतलब लड़के की लड़की, ठीक है, ऐसा। एस इज फादर ऑफ ए, आपने कहा लड़की की लड़की भी हो सकती है ग्रैंड डॉटर, तो आपने कहा एस इज फादर ऑफ ए, मतलब आर एंड एस बोथ आर मैरिड एंड ए इज डॉटर ऑफ एस, ठीक। अब अगर ए एस की डॉटर है तो आर की भी डॉटर होगी, और आर की डॉटर है तो बोला गया है आर इज डॉटर ऑफ पी, ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। आपने कहा ठीक है, ए इज ग्रैंड डॉटर। क्वेश्चन में बोला है हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, एस क्या लगेगा क्यू का, तो एस की पत्नी है आर, और पत्नी का भाई कौन है, क्यू, तो एस उसका लिए क्या हुआ भैया, जीजा, यानी कि ब्रदर इन लॉ, क्लियर, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर। 14th नंबर पे देखेंगे, बोला गया बी एंड सी आर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का मतलब होता है सगा, सिबलिंग्स का मतलब होता है सगा, एक ही माता पिता की संतान, ठीक। बी एंड सी आर सिबलिंग्स, यानी बी और सी एक ही जनरेशन में। एम हैज टू चिल्ड्रन एंड ही इज सन ऑफ ई, एम के दो बच्चे हैं जो कि लड़का है किसका, ई का। ई के बारे में बोला गया है हु इज फादर इन लॉ ऑफ एच, हु टर्म किसके लिए आता है, अपने जस्ट आगे वाले को क्वालिफाई करता है, यानी ई के बारे में बोला गया है वो फादर इन लॉ है किसका, एच का, एच हैज ओनली वन सन। और साथ ही साथ बोला गया है सी इज नॉट ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, सी इज नॉट ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, ऐसे कुछ करके बोला गया। आपने कहा सर आगे क्या कह रहा है, एम हैज टू चिल्ड्रन, एम हैज टू चिल्ड्रन एंड ही इज सन ऑफ ई। आपने कहा ऐसा कुछ, एम हैज टू चिल्ड्रन
एंड ही इज सन ऑफ ई। ई के लिए बोला गया हु इज फादर इन लॉ ऑफ एच, हु इज फादर इन लॉ ऑफ एच। आपने कहा यानी कि ई एम का पापा है और एच एम की पत्नी है, तो एच के लिए ये फादर इन लॉ हुआ कौन, ई। एच हैज ओनली वन सन, एक लड़का है उसका एच का। सी इज नॉट ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, आपने कहा सी ग्रैंड डॉटर नहीं है। आपने कहा ये दोनों सिबलिंग्स थे, तो आपने कहा बी और सी एम और एच के बच्चे हुए, ठीक। सी ग्रैंड डॉटर नहीं है यानी ग्रैंड सन, तो बी क्या हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर। क्वेश्चन है हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, आपने कहा सी ग्रैंड सन होगा तो बी क्या होगी, ग्रैंड डॉटर होगी। ए इज योर राइट, क्लियर, यस। आगे इस पीपीटी का लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में अगर आप देखें तो जब आपका फेस सामने होता है, जिधर आपका फेस वो डायरेक्शन कंसीडर होती है नॉर्थ, उसका अपोजिट साउथ। आपने कहा जिधर राइट हैंड होता है वो डायरेक्शन ईस्ट की होती है, जिधर लेफ्ट हैंड होता है वो डायरेक्शन वेस्ट का। आपने कहा सर इन डायरेक्शन के बीच में अगर हम एंगल बाइसेक्टर खींचे तो इतना एंगल 45 डिग्री का होगा, यहां से टोटल यहां तक का एंगल कितने का हो जाएगा, 90। आपने कहा इसका भी एंगल बाइसेक्टर अगर खींचे तो यहां से यानी कि जहां से स्टार्ट किया गया है यहां से यहां तक का एंगल 135 डिग्री का, 45 बढ़ता जाएगा यहां तक 180 डिग्री का। आपने कहा यहां से यहां देखेंगे तो 225 डिग्री का, यहां से यहां 270 डिग्री का, यहां से यहां देखिए 315 डिग्री का, यहां से यहां ये होगा। आपने कहा इसी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, कैसे, बोला गया अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, कहां देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की सब डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की सब डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, साउथ और वेस्ट के बीच की सब डायरेक्शन को साउथ वेस्ट बोलते हैं, एंड साउथ एंड ईस्ट के बीच की सब डायरेक्शन को साउथ ईस्ट। तो एक पर्सन है जो कि कहां फेस किया है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, टर्न करता है 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपने कहा क्लॉकवाइज का मतलब इधर की ओर, ठीक है, घड़ी की दिशा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपने कहा सर पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितनी है, एंटी क्लॉकवाइज कितनी है, ये अलग अलग मेंशन कर लीजिए। आपने कहा ही टर्न 180 डिग्री क्लॉकवाइज, आपने कहा 180 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर एंड देन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फाइनली ही टर्न 60 डिग्री क्लॉकवाइज, आपने कहा 60 डिग्री क्लॉकवाइज। आपने कहा अब बताना है नाउ द पर्सन इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन, आपने कहा सर ये दोनों मिलके कितने हो गए, कितना हो गया, आपने कहा सर 240 डिग्री। आपने कहा सर 45 डिग्री का मतलब क्या हो गया, आपने कहा सर क्लॉकवाइज ज्यादा है कि एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है, आपने कहा क्लॉकवाइज ज्यादा है तो इसमें से माइनस कर लो, 195 डिग्री बचेगा, 195 डिग्री बचेगा। तो आपने कहा कहां से, नॉर्थ ईस्ट से 195 डिग्री हमको जाना है, कैसे जाओगे, आपने कहा सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 45 90 45 135 45 180, यहां तक 180 हो गया। जैसे ही 45 जाओगे आप तो आप कहोगे 195 यही कहीं आएगा, यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बी इज योर राइट आंसर, योर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चंस टोटल लिए गए, प्रीवियस ईयर से बेस्ड थे सारे के सारे, जिसमें हम लोगों ने कुछ 3-4 चैप्टर से मिला करके क्वेश्चन देखा, कहाँ कहाँ से, एक तो अल्फाबेट रिलेटेड क्वेश्चन था, अपोजिट, रोटेशन, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कंपेरिजन बेस्ड क्वेश्चन, कंपेरिजन बेस्ड के बाद हम लोगों ने ब्लड रिलेशन देखा, फिर डायरेक्शन, ठीक है, यहां तक रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।